प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। चार दिन होवे तो दुर्गंध आए तो कब्र के सामने प्रभु आएगा। चार दिन होवे तो दुर्गंध आए तो कब्र के सामने प्रभु आएगा। विश्वास करे तो तू महिमा देखेगा, शैतान का कार्य सब नष्ट होगा। विश्वास करे तो तू महिमा देखेगा, शैतान का कार्य सब नष्ट होगा। देखता हूँ मैं विश्वास से, मेरे आगे लाल सागर दो हो रहा। देखता हूँ मैं विश्वास से, मेरे आगे लाल सागर दो हो रहा। आज का संदेश प्रभु के दास पोएम मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आपके बीच में प्रभु का वचन को बांटने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उद्धार संबंधित विषयों के बारे में पिछले दिनों में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज भी उसी विषय में, खास करके यीशु मसीह का जीवन के संबंध में हम अध्ययन करने जा रहा है। यीशु मसीह का जन्म के बारे में मत्ती रजिस्टर समाचार और लुका रजिस्टर समाचार में पाया जाता है। यीशु मसीह के जन्म से पहले यीशु मसीह परमेश्वर था, उनको कोई आरंभ और अंत नहीं है, इसके बारे में बाइबल स्पष्ट बताता है। लेकिन मानव जाति को पाप से बचाने के लिए उन्हें शरीर का रूप धारण करना पड़ा। यीशु मसीह के जन्म के बाद में आठवां दिन में यहूदियों के नियम के अनुसार यीशु का खतना हुआ। लुका रजिस्टर समाचार दूसरा अध्याय का 21वां पद। इसके बाद में हम यीशु को देखता है जो 12 वर्षों की आयु में यरूशलेम के मंदिर में ले गया और वहां पर जो फरीसियों को शास्त्रियों को तर्क विदर्क करके उनको पराजित करते हुए हम लोग देखता है। लुका रजिस्टर समाचार दूसरा अध्याय का 41 पद से लेकर हम पढ़ते हैं। यीशु अपना जीवन के आरंभ में नसरत करके एक गांव में अपना जीवन बिताया, एक बड़ई के रूप में। उसका पिताजी का नाम यूसुफ और माताजी का नाम जो मरियम है। वो मरकुस रजिस्टर समाचार छठवां अध्याय का 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु मसीह अपना सेवा का आरंभ में यहूदिया समरिया गलील के प्रदेश में अपना सेवा आरंभ किया। इसके बाद प्रभु ने काफी आश्चर्य कर्म किया, शिक्षा दिया। प्रभु का सबसे पहला आश्चर्य कर्म हम यूहन्ना रजिस्टर समाचार दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं, जो काना जो जहू पर यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया। इसके बाद में उन्होंने कफरनहूम इसी प्रकार का आसपास का जगह में गया, काफी चमत्कार करते हुए यीशु ने अपना सेवा को आरंभ किया। और यीशु मसीह का जो सेवा कार्य का दूसरे चरण में उन्होंने कफरनहूम एक यहूदिया में एक जगह और गलीली प्रदेशों में यीशु मसीह ने सेवा किया। इसके बाद में वो तीसरा चरण के रूप में यीशु ने लगभग 1 का सेवकाई गलील के आसपास का क्षेत्रों में जो सेवा किया। उन दिनों में उन्होंने पगाड़ी उपदेश इत्यादि प्रवचन भी किया है, मत्ती रजिस्टर समाचार 5, 6 और 7 अध्यायों में। और इसके बाद में उन्होंने फिर कफरनहूम बतसैदा कैसरिया फिलिप्पी इसी प्रकार दोबारा गलील में उसका आसपास का प्रदेशों में सेवा करते हुए हम लोग देखते हैं। लेकिन उसका आखिरी चरण हम लोग जो देखता है जो यरूशलेम के आसपास में जो खजूर का इतवार अंतिम भोज गेतसेमनी और यीशु मसीह को पकड़वाया गया और क्रूस पर यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में।
जैसे भविष्यवाणी किया था यीशु मसीह का जन्म के बारे में, और जैसे जो भविष्यवक्ता लोग जो पुराना नियम में बताया गया उस प्रकार यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जो जी उठा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन यीशु मसीह अपना चेलों के साथ में समय बिताया, स्वर्ग राज्य के बारे में उनको शिक्षा दिया, इसके बाद उनको स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 9-11 पदों में। इतना ही कहने का सारांश यीशु मसीह का सेवकाई बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। जन्म से लेकर उनका स्वर्गारोहण तक उन्होंने क्या क्या किया है। उनका आगमन का उद्देश्य था सारा मानव जाति जो जन्म से पापी है उनको पाप से उद्धार देने के लिए। उन्होंने अपना सारा जो 3.5 साल का समय जो सुसमाचार प्रचार किया है, गांव गांव में जाकर के उन्होंने बताया मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, उन्होंने प्रचार किया। केवल यहूदियों को बचाने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, बाइबल बताता है सारे जगत में जाकर यीशु समाचार प्रचार करना। मतलब उनका सेवकाई, उनका मृत्यु, उनका पुनरुत्थान केवल यहूदियों के लिए नहीं, सारा मानव जाति के लिए है। इसलिए चेलों को जब आदेश दिया बताया कि जो यरूशलेम से लेकर दुनिया के कोने कोने तक इस सुसमाचार का प्रचार करना। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आज इस यीशु मसीह को आप अपना हृदय में अंगीकार किया है। यीशु मसीह केवल मसीहों का परमेश्वर नहीं, सारा मानव जाति को पाप से बचाने के लिए, सारा मानव जाति को आत्मा का मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने आपका और मेरा पाप अपने ऊपर लेकर हम जो सजा भोगने का जगह पर उन्होंने अपना शरीर पर सजा भोग लिया। यीशु मसीह का लघु हमारे लिए बहाया जिसके द्वारा सारा मानव जाति को छुटकारा मिलेगा। आज मुझे सुनने वाला लो, यदि पाप में रहने वाला है आज मर जाएंगे तो कहां जाएगा मालूम नहीं है, तो यीशु मसीह आपको बुला रहा, केवल यीशु मसीह के पास आना, अपना पापों को अंगीकार करना। आकाश के नीचे पाप क्षमा के लिए दिया हुआ एक ही नाम यीशु मसीह अंगीकार करना, उन्होंने मेरा पापों को क्रूस पर समाप्त किया है, वो विश्वास करके उन्हें मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे, आज आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।